नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं यूगेट एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट डिटेल्स। जो बच्चे बीबीए करना चाहते हैं, आफ्टर ट्वेल्थ क्लास बीसीए करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर इंटीग्रेटेड एमबीए करना चाहते हैं, ये सभी बच्चे यूगेट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसको कनेक्ट कराता है आईमा, ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये बेसिकली मैनेजमेंट के ही एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं ऑल ओवर इंडिया और इनके बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूगेट की नीड क्या होती है। जब आप आफ्टर ट्वेल्थ क्लास इन प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने जाते हो तो आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही इनको कंडक्ट कराती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इनको कंडक्ट कराती है। अगर आप दूसरी सिटी में जाके पढ़ना चाहते हो या फिर किसी और सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे वो स्कोर वर्क नहीं करता जो आपने अपने नेशनल स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। तो अगर आपको कंबाइन करा जाए जो इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं बीबीए के लिए या फिर टॉप कॉलेज है बीसीए के लिए, पैन इंडिया आप कहीं पे भी जाके पढ़ना चाहते हो तो अगर आपने नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दिया है तो इसका स्कोर हर सिटी में एक्सेप्ट होगा। जो भी कॉलेजेस के अंदर एनरोल्ड हैं, जो लिस्टेड हैं आईमा के साथ, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे आपके स्कोर के बेसिस पे। इसके लिए प्रॉपर एक काउंसलिंग होती है, एडमिशन प्रोसेस फॉलो होता है, जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी इज 50% मार्क्स इन योर ट्वेल्थ क्लास, बस इतना ही है। इसमें मैथ्स का ऐसा कोई सीन नहीं कि मैथ्स कंपलसरी या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए, आपके 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। इसके बाद जब भी आप ये एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास दो मोड होंगे एग्ज़ाम देने के, एक होगा ऑनलाइन मोड, एक होगा ऑफलाइन मोड। आप कोई भी एग्ज़ाम मोड चूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसके निकलते हैं फेब के बाद और इसका एग्ज़ाम होता है मई में, इसलिए क्योंकि जब तक आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन से फ्री हो जाते हो। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। तो पूरा जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का वो होता है 2 आवर्स का, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन को आंसर गलत करते हो तो आपका -1 का डिडक्शन होता है। टोटल नंबर जो होते हैं आपके 450 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150। जिस एग्जाम में 4 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। सो दोस्तों, ये थी यूगेट एग्जाम की डिटेल। अब हम डिस्कस करते हैं इसके जनरल ओवरव्यू के बारे में कि एग्जाम कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, कॉलेजेस को देखा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस एनरोल कराते हैं खुद को एक्सेप्ट करने के लिए स्कोर को, और वैसे ही बहुत सारे बच्चे एनरोल कराते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। तो इससे क्या होता है, पोर्टल क्रिएट होता है जिसमें स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के कॉलेजेस में जाता है और उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है, सेट ऑफ चॉइसेस आ जाता है कि आपके पास ये सब चॉइसेस हैं आफ्टर दी एग्ज़ाम, आप जिनमें जाके एडमिशन ले सकते हो। बट मैंने जब कॉलेजेस का थोड़ा ओवरव्यू देखा तो सारे प्राइवेट कॉलेजेस थे पहली बात तो बीबीए के लिए, जो भी आप कॉलेज कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं। इसके बाद मेरे को शायद कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा रेपुटेड हैं और बहुत अच्छे भी, उनकी फ़ीस भी बहुत अच्छी खासी है बीबीए करने के लिए या फिर बीसीए करने के लिए। बट कोई कॉलेज मेरे को ऐसा नहीं लगा जो ये बोले कि अगर आपके पास यूगेट नहीं हो तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो बस एनरोल्ड हैं बट इतने खास नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा कॉलेजेस का। सो यूगेट में क्या है कि आपको एक पोर्टल क्रिएट किया गया है मैनेजमेंट एसोसिएशन के थ्रू, जिसने बहुत सारे कॉलेजेस को अपने साथ एसोसिएट करके आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने, जिससे आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। बट उसमें भी आपको सिलेक्ट करना कि कॉलेज कौन से अच्छे हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करा रहे हैं उसके अंदर और यूगेट को भी ले रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव यूगेट वाले नहीं हैं। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा पर्सनली, अगर आपके यहाँ पे कोई नेशनल स्टेट लेवल पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है जिस भी स्टेट में आप रहते हो या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को पहले प्रायोरिटी देनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गिव यूगेट एग्ज़ाम एज अ सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, इनकेस अगर वहाँ पर एडमिशन नहीं होता तो आपके पास यूगेट का ऑप्शन है। और उसके बाद आपकी चॉइस है आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। ये था मेरा ओवरव्यू कि स्टूडेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने स्टेट गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस को। दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी इस एग्ज़ाम को लेके, इसके सिलेबस को लेके, आप हमसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है इस एग्ज़ाम को लेके, इसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को लेके, इसके पैटर्न को लेके, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच।